पहले पढ़ा था, अब हम आए मैट्रिक्स में जोड़ घटाना गुणा पे। ठीक है, तो हम बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोड़, मैट्रिक्स में कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले निकालना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले हम जो ए बराबर दिया जाता है उसको लिखते हैं। देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, 2 4 3 2। ठीक है ना, ठीक है। अब प्लस लगा है, प्लस लगा देते हैं, देखिए। ठीक है, बी बराबर जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, 1 3 -2 5। ठीक है, अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले ए वन वन इसका देखेंगे, इसका भी ए वन वन देखेंगे। तो इसका ए वन वन क्या है, 2 1, तो 2 + 1 3। ठीक है, 4 + 3, ठीक है, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 3 और -2, देखिए इसको किस तरह से करते हैं, यहां कर लेते हैं 3 + -2। ठीक है, तो क्या होगा, 3 + -2। ठीक है, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 1। इसके बाद 2 + 5, 2 + 5 क्या होता है, 7। ठीक है, चलिए हम a प्लस बी निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, जैसे हमने a प्लस बी निकाला था उसी प्रकार से हम a माइनस बी भी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले a की वैल्यू लिखते हैं, 2 4 3 2, समझ में आया, -1 -2 3 5। ओके, अब हम इसको निकालेंगे, जिस तरह से हमने जोड़ा था इसी तरह से हम घटाएंगे, 2 - 1 2 - 1 1। ठीक है, 4 - 3 4 - 3 1। ठीक है, 3 - -2, जिस तरह से यहाँ पे किया था ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, 3 - -2, तो हो जाएगा 3 - -2 इक्वल 5। ठीक है, 5 आ जाएगा, 2 - 5 यानी कि -3। ठीक है, अब हम निकालेंगे गुणा कैसे करते हैं, ए गुणा बी। ठीक है, गुणा बी, ठीक है, सबसे पहले इसी तरह से ए और बी की वैल्यू लिख लेंगे, 2 3 4 2 गुणत 1 - 2 3 5। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके थे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, तो उसी तरह से इसमें वही सब रो और कॉलम का खेल है। जैसे कि इसमें पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरह से गुणा करते हैं। देखो करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो में 2 2 का गुणा क्या किससे करेंगे, 1 से, 2 × 1 2। ठीक है, फिर प्लस लग जाएगा यहाँ पे, फिर 4 × 2 8, जैसे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8। देखो किस तरह से करते हैं, 4 ये तो पूरा प्लस आ जाएगा, 2 प्लस, ठीक है, 4 × 2 8 हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, तो 2 - 8 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा हो, इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है, क्या करेंगे, 2 × 3 6, ठीक है, प्लस 4 × 5 20। ठीक है, इसके बाद
जो अपनी दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, थ्री इंटू वन थ्री, ठीक है, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ठीक है। इसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, थ्री इंटू थ्री नाइन, टू इंटू फाइव टेन, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया हो तो कमेंट में बताओ, दोबारा से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद टू माइनस एट क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, थ्री माइनस फोर माइनस का वन, ठीक, बीस प्लस छह ट्वेंटी प्लस सिक्स क्या हो गया ट्वेंटी सिक्स, ठीक, नाइन प्लस टेन नाइनटीन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, खत्म, थैंक यू।